हाई स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, फ्रैंक प्राइमरी साइंस, चैप्टर 11, नेचुरल क्लाइमेटीज, टॉपिक ऑन पेज नंबर 141, ड्रॉट्स, सूखा। ड्रॉट्स आर कॉज बाय प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ड्राई वेदर। सूखे मौसम का लंबे समय तक रहना सूखे का कारण होता है, लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एरिया। इस एरिया में पानी की कमी होने के कारण इन सेवियर ड्रॉट्स, भयंकर सूखा। देयर मे बी ए टोटल एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर ईयर। साल में कंप्लीट बारिश नहीं होना। ड्रॉट्स आर कॉमन इन रीजन नियर द डेजर्ट जोन। डेजर्ट जोन के जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है उसके नज़दीक वाला क्षेत्र सूखे का होता है। ड्रॉट्स कॉज क्रॉप फेलियर। ड्रॉट्स फसल को असफल बनाता है। बिकॉज द स्कैरिटी ऑफ वाटर एंड फूड डोमेस्टिक, और पानी की कमी के कारण भोजन, डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर डाई इन ए लार्ज नंबर, लंबे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। एंड द जनरल पॉपुलेशन ऑल्सो सफर फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। और सामान्य जो जनसंख्या होती है वह भूख से और दरिद्रता से सफर करती है, कष्ट उठाती है। इन सेवियर ड्रॉट्स, जो भयंकर सूखे में पीपल डाई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड एंड वाटर, पानी और भोजन की कमी के कारण सूखे में लोग मर जाते हैं। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड फेमाइन। ऐसी कंडीशंस को हम फेमाइन, सूखा बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लांटिंग ट्री। ड्रॉट्स के जो प्रभाव हैं उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है बाय प्लांटिंग ट्री। जो ड्रॉट्स के प्रभावों ने कम किया जा सकता है बाय प्लांटिंग ट्रीज लगाकर इन ए लार्ज नंबर, और बाय चैनलाइजिंग रेन वाटर थ्रू पाइप इनटू स्टोरेज टैंक दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कैरिटी। सूखे के टाइम में हम उस पानी को यूज कर सकें, ऐसा चैनलाइज कर एक पानी को स्टोर किया जा सकता है, बारिश के पानी को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन। जो बारिश के पानी का संग्रहण होता है वह होना चाहिए। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग रेन वाटर, इसमें बारिश का पानी इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड स्टोरिंग इट फॉर लेट यूज, और इसका बाद में यूज करने के लिए होना चाहिए। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक्स।